हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन CBSE। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है ये। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है, या फिज़िक्स हो या मैथ्स हो या जहाँ भी हो, इसका बहुत यूज़ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा का डिफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इफ़ सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ़ देयर इज़ एन एज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच टू सी प्लस एच। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, और एफ और एक्स कहाँ से कहाँ तक नहीं होना चाहिए, सी माइनस एच से सी प्लस एच, मतलब एक्स जो है सी के आसपास वाले पॉइंट्स होने चाहिए। सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ सी जो होना चाहिए वो एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली मिनिमा के लिए भी ये उसी तरीके का डिफिनेशन है कि एफ ऑफ सी शुड बी स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच टू सी प्लस एच, मतलब सी माइनस एच से सी प्लस एच के बीच में एफ ऑफ सी जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से। क्या मतलब होता है ये, तो एक डिफिनेशन हुआ, इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये ग्राफ को आप देखिए, ये ग्राफ को देखकर आपको समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मतलब ये तो पहले वाला था। ये ग्राफ को देखिए, इसे समझते हैं। पहला क्या था हमारा, पहला कंडीशन ये था एफ ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर एफ ऑफ सी ये पॉइंट है, एफ ऑफ सी ये वाला पॉइंट है। एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स ये वाला लूँ और ये वाला जो कि सी के बहुत करीब है, तो ये एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ दिस एक्स, एफ ऑफ दिस एक्स, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर है, एफ ऑफ सी ये वाला है और एफ ऑफ एक्स किसको मानेंगे, ये वाला इसको मानेंगे, एक्स को मानेंगे, ये दोनों को मानेंगे एफ ऑफ एक्स, काहे कि एक्स जो है बहुत ही करीब है सी के। यहाँ पर डिफिनेशन में क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच टू सी प्लस एच, सी माइनस एच और सी प्लस एच के इंटरवल में होना चाहिए, और एच जो है जस्ट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जस्ट बड़ा है, मतलब सी के आसपास वाले पॉइंट के बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी ये वाला पॉइंट है, उसके आसपास वाला या तो ये पॉइंट होगा या तो ये पॉइंट होगा। तो हमारा एफ ऑफ अगर एक्स देखें तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, यही दोनों हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स ये जो है, ये वाला और ये वाला दोनों जो है इससे छोटा है, एफ ऑफ सी से छोटा है एफ ऑफ एक्स आसपास वाला, तो ये मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली ये मिनिमा कहलाएगा। एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर, टेंजेंट देखिए, ये वाला टेंजेंट जो है ये ग्राफ का, यहाँ पर एफ डैश एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है और यहाँ पर स्लोप निगेटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होता है दोस्तों तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। स्लोप निगेटिव होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उसी तरह से ग्राफ की वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरह से ग्राफ जो है, ग्राफ की वैल्यू घटती जाएगी। इसका मतलब एफ डैश निगेटिव, और यहाँ पर एफ डैश जो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। तो हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पर से ये पता चलता है कि अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हो साथ ही साथ डेरिवेटिव का साइन चेंज हो और डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, तो वो पॉइंट या तो मैक्सिमा कहलाएगी या तो मिनिमा कहलाएगी। यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर देखिए यहाँ नेगेटिव था एफ डैश, यहाँ पॉजिटिव है एफ डैश, लेकिन एफ डैश यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये मिनिमा कहलाई, यहाँ पर ये मैक्सिमा कहलाई, यहाँ पर ये मिनिमा कहलाई। तो दोस्तों थ्योरम क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक थ्योरम है, इफ़ एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी,
देन आइदर एफ डैश सी और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। बोल रहा है कि अगर फंक्शन के पास या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, अगर ऐसा है सी के पास या तो मिनिमा है या तो मैक्सिमा है, तो फंक्शन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ज़ीरो होगा या फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और वैसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमा है, एफ डैश सी ज़ीरो हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये पॉइंट मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ये पॉइंट लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूस एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी इन द इंटरवल आई, ये तो दे रखा है। इफ़ एफ डैश एक्सचेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इफ़ एफ डैश एक्सचेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बोल रखा है कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव से पॉजिटिव अगर एफ डैश एक्स होता है तो वो लोकल मिनिमा कहलाएगा, और एफ डैश एक्स अगर साइन चेंज नहीं करता है तो ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप ग्राफिकली देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या, एफ डैश एक्चुअली स्लोप को शो करता है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है। तो ये देखिए एफ डैश एक्स की साइन जो है पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है और बीच में ज़ीरो हुआ है। तो अगर पॉजिटिव से एफ डैश एक्स निगेटिव होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एफ डैश एक्स की साइन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। एक्चुअली स्लोप को दिखाता है, तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। तो एफ डैश एक्स जो है अपना साइन चेंज किया, कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव हो गया। पॉजिटिव से क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एफ डैश एक्स जो है ज़ीरो भी होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमा कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? स्लोप, स्लोप ये वाला स्लोप जो है ये पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। यहीं ऊपर ये दोनों डिफिनेशन दे रखा है, ये और ये। तो बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ, पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव स्लोप होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि स्लोप जो है चेंज ही नहीं करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखेंगे। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और एक और चीज़, पहले हम लोगों ने लास्ट में थ्योरम पढ़ा था कि अगर मैक्सिमा होगा तो पॉइंट जो है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैक्सिमा या मिनिमा हुआ या एफ डैश सी हुआ, अगर मैक्सिमा हुआ या मिनिमा हुआ तो वहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा या वो पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये देखिए, ये एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पर यहाँ पर एफ डैश क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस पॉइंट पर माने तो यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पर भी एफ डैश पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर ज़ीरो पास देखेंगे तो ज़ीरो पर स्लोप क्या हो जाएगा? देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर, और एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा? ज़ीरो डाल दीजिए तो थ्री इंटू ज़ीरो स्क्वायर, विच इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ रही है ये तो ज़ीरो है,
तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हमें ज़ीरो मिला, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव हमें इस पॉइंट पर ज़ीरो मिला, ये देखिए ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर देखिए ज़ीरो तो हुआ लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस तरह से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन बोल रखा है कि अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल आई में है और सी जो है वो आई के इंटरवल में है और एफ जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है आई के पास, तो एफ डैश सी अगर ज़ीरो है, अगर एफ डैश सी ज़ीरो है तो वहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन और साथ ही साथ वो हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, लेकिन एफ डैश सी अगर निगेटिव हो जाए, अगर निगेटिव हो जाए तो वो हम लोग कह सकते हैं कि सी इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी जो क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देख दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद रखने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, कि एक बार हम लोग एफ डैश सी को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको ज़ीरो के से इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा वाला पॉइंट। लेकिन कैसे पता करें कि वो पॉइंट मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो पता करने के लिए फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमा है और ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव तो वो पॉइंट मिनिमा है।